हाँ के बाण चलाए लखन ने रण में जभी रिसाए ओ मेघनाद की भोजादी लंका माह पठाए सोहत जहां सुलोचना रतिसी रूप अपार ओ नांग सुता दस कंध की बड़े पुत्र की नार सोने के सिंहासन ब्राजी मेघनाद की रानी है बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करो ना भरी रे कहानी चलाए श्री लखन ने मेघनाद देखे से आगे भुजा काट दिए के बाण से लंका में पहुंची जाके सनी रकत में बही भुजा जब देखी वहाँ दासियों ने हाँ दासियों ने पास सुलोचन के जा कर के हाल सुनाया दासियों ने हाल सुनत बेहाल भई फिर आई भुजा ढेंगे रानी है ओ जुरानी है बड़े ध्यान से सुनियो पंचों करो ना भरी कहानी भुजा हती निज पति की लगी बिलाप करन रानी मणि भूषण से सजी भुजा को देख देख कर अकुलानी फिर मन में निश्चय कर बोली पतिव्रत नारी हूँ तो लिखे कर संदेह मिटा दे मैं अति दीन दुखारी हूँ सुन के इतनी बात जान लो तोरत भोजारे फड़कानी फड़कानी है बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करो ना भरी कहानी।
खोले गई तोरत कलम है मंगवाई। देदी कर में कटी भोजा को लिखी भोजा ने प्रभुताई। लिख के सारा हाल बताया सीसे गया जहाँ रघोराई। रानी को विश्वास होए इसलिए भुजा है पहुँचाई। पढ़कर हाल बेकल भई रानी बेकल भई रानी बेकल भई रानी। पढ़कर हाल बेकल भई रानी बहुत मने घबरानी है। बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करो ना भरी कहानी है। बेलख बेलख कर रोए सोलोच न मंदो दर समझाया है। उठो बहु अब रोना छोड़ो ये बेदना की माया है। कहे सोलोचन शीश पति का कोई हमें मंगवा दीजे। सब उपकार किए हैं माता इतना कहना कर दीजे। मंदोदरी ने फिर समझाया कह के मीठी बानी है वो जुबानी है। बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करुणा भरी कहानी है। दर्शन करके झुकी शरण में दो रो पति गाथा गाई। बोले राम सुनो हे देवी सुनो हे देवी सुनो हे देवी। दुख हमको भी भारी है तुम चाहो तो जिंदा कर दूं एक छाया अगर तुम्हारी है। बोली सती सुलोचन है प्रभु आप तो अंतर ध्यानी है। बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करुणा भरी कहानी है। दर्शन पाए स्वर्ग पाऊं मे
देखे नाद का कटा शीस फिर प्रभु ने तो रत मंगाया है। लेकर शीस चिता में बैठी वेद पुराणों गाया है। लेकर शीश चिता में बैठी वेद पुराणों गाया है। गिरजा लाल भई सती सुलोचन सारे जग ने जानी है, भैया जानी है। बड़े प्रेम से सुनियो सजनों करुणा भरी कहानी है। सिंहासन ब्राजी मेघ नाद की रानी है। बड़े ध्यान से सुनियो सजनों करुणा भरी कहानी। सियावर रामचंद्र